जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। किस विषय में कितना कंपटीशन, किस विषय में जॉब पाना आसान, किस विषय में जॉब पाना कठिन, पेपर वन और पेपर टू में विषय के अनुसार संभावित पदों की संख्या के अनुसार किस विषय में कितना कंपटीशन, इस पर बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग यह जान लें कि जो रिक्तियों की संख्या की बात करें, संभावित पदों की संख्या कुल मिलाकर बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए और माध्यमिक विद्यालय के लिए, अर्थात माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार भी बातें करने वाले हैं। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुल पदों की संख्या 1,20,000 से भी अधिक है पदों की संख्या, और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 80,257 पदों की बातें हैं। तो इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो माध्यमिक शिक्षक के 44,000 पद की बातें की जा रही हैं, और बाकी जितने भी पद हैं वो उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो ऐसे में बात करें माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो आप लोग जानते हैं एस्टेट 19 में जो संभावित पदों की संख्या विज्ञापन में दी गई थी वो माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 25,000 थी, जो कि अब नहीं रहे, अनुमानित पद थे, अनुमानित संभावित पद थे। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग उस 25,000 में आप लोग कितने जोड़ेंगे, तो 44,000 के लिए 19,000 करीब। तो आप लोग जानते हैं कि पेपर वन में 7 विषय थे, तो ऐसे में लगभग 3,000 करीब औसत हो जाते हैं। तो 3,000 आप लोग जितने पदों की संख्या है उसमें आप लोग जोड़कर देख सकते हैं। तो इस अनुसार से संभावित पदों की संख्या की बात करें तो 3,000 यदि जोड़ने पर और कुछ प्लस माइनस 1,000 कर लेंगे तो अंग्रेजी विषय में संभावित पदों की संख्या 8,000, 5,054 प्लस में 3,000, तो 8,000, उसमें आप लोग प्लस माइनस 1,000 करके चलें तो 7,000 से 9,000। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सोशल साइंस, इन सभी में विज्ञापन में 5,054 पद थे और इसमें आप लोग 3,000 करेंगे, उसके बाद 3,000 जोड़ने के बाद 8,000 होते हैं, उसमें प्लस माइनस 1,000 करेंगे तो संभावित पदों की संख्या लगभग 7,000 से 9,000 हो जाती हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में आप लोग यह जान चुके हैं 7360 या फिर 7446, बाद में जो शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की हुई थी उसके बाद 7446 पद की बातें आई, उसे आप लोग 7360 में ही जोड़ें 1,000 जो कि पहले से स्वीकृत हैं, तो 8,400 करीब, तो 8,000। तो यही बातें हैं 7,000 से 9,000 के बीच में, इन सभी विषय में संभावित पदों की संख्या मानकर चल सकते हैं। उसके बाद आगे बातें करने वाले हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करें जो कि संभावित पदों की संख्या की, तो फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में विद्यालय की संख्या के अनुसार 9,360 और इसमें पहले से भी शिक्षक होंगे तो 8,000, तो 8,000 का आप लोग आधा करके लेकर चल सकते हैं। यदि फुल की बात करें तो फुल भी आ सकती है, जितने भी पद हैं सभी पदों पर बहाली हो सकती है, लेकिन इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या ही कम है तो इसमें आधे पद करके चलें, 50% पद मानकर चलें कि जो कि पहले के शिक्षक हैं जिनको 4 वर्ष का अनुभव है उनको प्रमोशन के तहत दे दिए जाएँ तो ये भी होंगे, तो ये हो सकते हैं। या फिर इन सभी पदों पर पहले सीधी भर्ती से बहाली करें, नहीं तो वही बातें होंगी, 50% आप लोग इसमें जानते ही हैं, पहले से गणित विज्ञान के शिक्षक होते हैं, पेपर वन और पेपर टू में होते हैं, और इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों में बहाली होती है जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जबकि कंप्यूटर साइंस में वैसी बातें नहीं हैं, सिर्फ एक ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होती है एक विद्यालय में, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो ऐसे में पीजीटी शिक्षक की ही बहाली हो सकती है, और यही शिक्षक क्लास 9 से 12 तक के लिए हैं, या फिर यदि 6ठी से होती है तो 6ठी से 12वीं तक के लिए एक ही शिक्षक की बहाली ऐसे में कही जा सकती है, एक विद्यालय में एक ही शिक्षक की बातें स्पष्ट होती हैं।
तो यही बातें हैं गजट के अनुसार भी, और इसके अलावा सहायक की बातें हैं जो कि प्रयोगशाला के लिए हैं। तो प्रयोगशाला के लिए आप लोग जानते हैं सहायक में, प्रयोगशाला सहायक में हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी है, इसके साथ साथ कंप्यूटर सहायक की भी बातें हो सकती हैं, इंस्ट्रक्टर की बातें हो सकती हैं, तो वो अलग बातें हैं। लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो एक शिक्षक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। अब आगे तो इस तरह से आप लोग जान चुके होंगे फिजिक्स के बारे में 4000 करीब पद में, तो 3000 से 4000 पद आप लोग मानकर चल सकते हैं। और यही बातें फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 3000 से आप लोग 5000 के बीच में मानकर चलें ये सभी में। और इसके अलावा और बायोलॉजी में दो विषय हैं, तो इसमें दोनों को मिलाकर आप लोग 3000 से 5000 के बीच में मानकर चलें। बॉटनी में और जूलॉजी में ये सभी में 3000 से 5000 के बीच में। और इसके अलावा इसकी संख्या कुछ और बढ़ भी सकती है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है और जूलॉजी में कुछ अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, तो इसकी संख्या को बढ़ाई जा सकती है। तो यही बातें हैं, और बोटनी में कुछ कम करके, तो इस तरह से जो कि बातें हैं कि बायोलॉजी में एक शिक्षक होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो या तो बोटनी के हों या फिर जूलॉजी के हों, तो यही बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार गजट के अनुसार ही स्पष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग यह जान सकते हैं संभावित पदों की संख्या की बातें कर रहे हैं, और संभावित पदों की संख्या में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके अलावा अंग्रेजी पेपर टू में, तो ये सब में आसान है नौकरी पाना, इसमें पेपर वन और पेपर टू भी होते हैं, गणित विज्ञान ये सभी विषय में और अंग्रेजी विषय में हुए हैं। SAT 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है इन सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा और भी पदों की बातें करें तो और भी पदों में आप लोग यह भी मानकर चलें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या आप लोग जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 80,257, तो 50,000 करीब आप लोग मान के चलें कि जो सामान्य होंगे शिक्षक, तो इसमें उर्दू के भी होंगे, तो ये सभी बातें हैं। तो 40,000, 10,000 ऐसे करके आप लोग मान के चल सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं 8,000, 10,000। इसके अलावा इधर जो 30,000 करीब में इधर भी हो सकते हैं, 6 से 8 में भी हो सकते हैं, तो जो भी बातें हों आगे स्पष्ट करेंगे। और 10,000 करके आप लोग मानकर चल सकते हैं जो कि सोशल साइंस उसे, और इसके अलावा विज्ञान गणित विज्ञान और गणित विज्ञान 10,000, और इसके अलावा जो एक विषय है भाषा विषय आप लोग देख रहे होंगे पेपर वन के सभी विषय, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गणित विषय में, तो गणित विषय में आप लोग देख रहे होंगे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 7,289 है, और इसमें संभावित रिक्तियों की संख्या 7,000 से 9,000 के बीच में है, और बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी होंगे पेपर वन और पेपर टू में, तो इसीलिए इस विषय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। और विज्ञान विषय में भी आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या 7,000 से 9,000 के बीच में, और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 6,152, और बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी होंगे गणित विज्ञान विषय में, इसके अलावा अंग्रेजी विषय में, तो अंग्रेजी विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी कम है, 4,663 है, तो इसमें सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है, पेपर वन और पेपर टू भी आयोजित हुए हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे हिंदी विषय में जो 7,000 से 9,000 के बीच में, और उर्दू संस्कृत मिलाकर भी 7,000 से 9,000 के बीच में, तो ऐसे में इन सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। उर्दू में 3500 प्लस और संस्कृत में आधा करेंगे 7,000 से 9,000 के बीच में, तो 3500 प्लस पद हो जाते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे पेपर टू में बात करें तो पेपर टू में भी आप लोग देख सकते हैं सभी विषय देख सकते हैं, फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है, और केमिस्ट्री में भी काफ़ी कम है, इसके अलावा बोटनी जूलॉजी में भी कम ही क्वालिफाइड की संख्या है, तो इसमें सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। और कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, और 17,000 से भी अधिक है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या, और वही बातें सोशल साइंस में भी है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो इन दो विषयों में कंपिटिशन काफ़ी अधिक है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी विषय में आसान है, और इन सभी विषय में बात करें इन दो विषयों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सघनता से जांच हो, डॉक्यूमेंट की जांच हो सघनता से, तभी अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। रिक्तियों की संख्या बढ़े इन दो विषयों में तभी नौकरी पक्की संभव है, और अन्य सभी विषय में नौकरी पक्की ही आप लोग मानकर चल सकते हैं। सिर्फ आप लोग को प्रयास करने की जरूरत है कि रिक्तियों की संख्या जुड़े।